ग्रीटिंग्स ऑफ द डे पर्सनली एंड प्रोफेशनली। मैं डॉक्टर विनीता दिवाकर, सीनियर कंसल्टेंट इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनी फ्रॉम मणिपाल हॉस्पिटल गाजियाबाद। 3 से 5 मिनट, 3 से 5 बातें पर आपकी हेल्थ सिक्योरिटी 300 to 500%। क्या बताना चाह रही हूँ मैं आज? आप सब बड़े चिंतित रहते हैं, आप सबको पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आते हैं। क्या महत्व है इस साइकिल का? क्यों इसे रेगुलर आना चाहिए? क्यों इसे आना ही चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। ये साइकिल ही है जो ईश्वर ने आपको दी है। ईश्वर बहुत महान है। आपके अंदर के सॉफ्टवेयर का वाईफाई नेटवर्किंग ठीक है कि नहीं, ये असेस करने के लिए उसने आपको एक एक्सटर्नल साइन दे दिया मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में, जिसकी दोनों बातें इम्पॉर्टेंट हैं, रेगुलैरिटी भी और ब्लीडिंग कैसी होती है ये भी। रेगुलैरिटी से नेटवर्किंग और डिफरेंट ऑर्गन्स का जो आपस में कोऑर्डिनेशन है फंक्शन का, वो साबित होता है, ब्रेन से लेके ओवरी तक, ओवरी से लेकर यूट्रस तक। ब्लीडिंग वो ये बताती है कि आपके हॉर्मोन्स जो बन रहे हैं वो एडिक्वेट अमाउंट में बन रहे हैं कि नहीं, और उनका आपस का तालमेल ठीक है कि नहीं। देखिए ना कितनी वंडरफुल बात है। अब जब आपको फर्स्ट पीरियड आता है, जिसे हमारी भाषा में मेनार्की कहते हैं, उसे WHO ने गायनेकोलॉजिकल एज का नाम दिया है। हम वहाँ से कैलकुलेशन करते हैं। जब आप गायनेकोलॉजिकल एज अटेन करती हैं, आपको फर्स्ट पीरियड आता है, वहाँ से 1 साल तक यदि आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। नेटवर्क सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके लिए आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। पर यदि 1 साल से ऊपर हो गया है और अभी 3 साल नहीं हुए हैं और आपके पीरियड 21 से कम दिन में आ जाते हैं या 45 से ज़्यादा दिन में आते हैं, और ये एक रेगुलर फीचर है इरेगुलरिटी का, तो डेफिनेटली आपको गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। वही आपका एयरटेल है, वही आपका जियो है, वही आपका वोडाफोन है, जो आपकी वाईफाई को, नेटवर्किंग को ठीक करेगा। अब भी आपको 3 साल से ऊपर हो गए हैं, पीरियड्स शुरू हुए, उसके बाद भी आपके पीरियड्स 21 दिन से कम दिन पर आते हैं या 45 दिन से ज़्यादा दिन पर आते हैं, मतलब 1 साल में 12 महीने में आपको 8 से कम बार पीरियड आते हैं, तो फिर आपको गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। यदि 15 साल की उम्र तक आपको पीरियड नहीं आया तो इसे प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं कि पीरियड स्टार्ट ही नहीं हुआ, तब भी आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। या आपको ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना शुरू हो गया है, 3 साल हो चुके हैं कि आपकी ब्रेस्ट में चेंजेस आनी शुरू हो गई हैं, ग्रोथ आना शुरू हो गया है, लेकिन आपने पीरियड अटेंड नहीं किए, तब भी आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा और असेसमेंट करानी पड़ेगी। आपके प्रेजेंटेशन के मुताबिक, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि डॉक्टर आपको हिस्ट्री आपकी लेंगे, आपकी फैमिली हिस्ट्री लेंगे, आपका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे, उसके बाद तय करते हैं कि आपको किन लैब टेस्ट की ज़रूरत है या रेडियो इमेजिंग की ज़रूरत है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, और उसके बाद आपको क्या दवाई या क्या मेडिकेशन दिया जाए, किस तरह का दिया जाए, हार्मोनल वर्सेस नॉन हार्मोनल, हार्मोनल में भी इस एज ग्रुप में, यंग एज ग्रुप में क्या सॉल्ट सिलेक्ट किए जाएं जो आपके लिए सेफ हो। लेकिन आप इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यदि आप इग्नोर करेंगे तो आप आगे चलकर आपके ही जाने पहचाने पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की ओर बढ़ सकते हैं। इस समय डॉक्टर आपको केवल इतना कैटेगराइज करेगा, एट रिस्क फॉर PCOS, पर मेरी बात मानिए, 101% ये क्यूरेबल है, ठीक हो सकता है, केवल थोड़ा सा माल फंक्शनिंग है जिसको कोऑर्डिनेट डॉक्टर आपका कर देगा। फिर एक क्वेरी और आती है कि जी अभी मेरी बच्ची को बहुत जल्दी पीरियड आ गया, अभी तो वो 10 साल की ही है, अभी तो वो 9 साल की ही है। जी हाँ, आप
एज ऑफ मेनार्की धीरे धीरे घट रही है। यंग बच्चों में 10-11 साल के बच्चों को भी पीरियड आने लगे हैं, जिसका श्रेय जाता है उनकी मेंटल मैच्योरिटी को जो हम उन्हें देते हैं, मोबाइल है, टीवी है, कंप्यूटर है। दूसरा न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन उन्हें दिया जाता है इधर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, उसका श्रेय। तीसरा लाइफस्टाइल, इन तीनों ने मिलकर उनको ये गिफ्ट में दिया है कि वो मेनार्की बहुत जल्दी अटेन करने लग गए हैं। ये तो मेरा पहला पॉइंट था हेल्थ का। सेकंड आता है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। यदि आप अपनी बच्ची को, अपनी बहन को, अपने घर की लेडीज़ को ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सिखाती हैं, तो वो भविष्य में आपको एक बड़े खतरे से बचा सकता है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का इलाज संभव है 100% यदि डायग्नोसिस जल्दी हो जाए। और कितनी कितनी सहूलियत की बात है कि एक ऐसा ऑर्गन है जिसको आप खुद एग्जामिन कर सकती हैं। सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट, यदि हम इसके लिए अवेयर हैं और करते हैं, तो इसका इंसिडेंस डेफिनेटली कम हो रहा है वर्ल्ड में से। कैसे करना चाहिए? बड़ी सिंपल सी बात है, जब भी आपका पीरियड खत्म होता है उसके बाद बेस्ट टाइम होता है नहाते समय। नहाते समय आप अपनी दाएं हाथ की हथेली से बाएं ब्रेस्ट को प्रेस करेंगे सिलसिलेवार। समझ लीजिए कि वो एक बॉल है और उसको आप 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दीजिए। अपनी हथेली से बोन्स के अगेंस्ट, रिब केज के अगेंस्ट आप ब्रेस्ट टिश्यू को प्रेस करिए। आप उसमें सॉफ्टनेस पाएंगे। यदि आपको कहीं भी कोई टेंडर पेनफुल पॉइंट मिलता है या कोई दाना मिलता है, चाहे मटर का दाने के बराबर हो, काले चने के दाने के बराबर हो, तो घबराने की कोई बात नहीं है। केवल आप उसका एक असेसमेंट अपने दिमाग में रखिए और हर महीने उस चीज़ को महसूस करने की कोशिश करिए। यदि वो बढ़ रहा है या उसमें दर्द आ जाता है, तो आप तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। जब आप ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं तो निप्पल्स को भी स्क्वीज करके देख लेना चाहिए कि उसमें से कोई सिक्रीशन तो नहीं आ रहा है। लेफ्ट हैंड से राइट प्रेस, राइट हैंड से, क्योंकि आप पाम से तभी अच्छे से कर सकते हैं। और प्रेस करना है, टफ प्रेस करना है रिबकेज के अगेंस्ट। ये केवल आपको महीने में एक बार करना है। यदि आपको कोई फाइंडिंग मिलती है तो आपसे अच्छा उसे कोई लोकेट नहीं कर सकता है। आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए, वो बराबर उसको देख के पहले ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड कराएंगे या मेमोग्राम कराएंगे आपकी एज के अनुसार। फिर उसकी जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए वो आपको एडवाइस करेंगे। इतनी छोटी सी बात जो आपके कंट्रोल में है और आप कर सकती हैं, कुछ सेकेंड्स अपने लिए ज़रूर निकाल लीजिएगा। हाँ, एक बात और, इंजेक्शन गार्डासिल या HPV वैक्सीनेशन का नाम तो आपने सुना ही होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने खुद, यदि आप 45 साल से नीचे हैं, या आपने अपनी बच्ची को, अपनी बहन को, अपनी डॉटर इन लॉ को, सबको, आपके घर में जितनी लेडीज़ हैं उनको आपने लगवा लिया है ना, और पैप स्मियर या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी आप करवा रही हैं ना। यदि नहीं तो प्लीज़ शुरू करिए। जब भी बच्ची आपकी पहला पीरियड अटेन कर लेती है उसके बाद उसको HPV वैक्सीन दिया जा सकता है। उसका मैक्सिमम बेनिफिट फर्स्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट के पहले लगने पर ही होता है। मुझे आशा है कि आपने नहीं लगवाया तो लगवा लेंगी, और लगवा लिया है तो आपने बहुत अच्छा एक इफ़र्ट किया है कैंसर सर्विक्स को रोकने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगली टॉक में बहुत जल्दी। थैंक यू।